जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, मेरे देशवासियों। मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया, और आज मैं लेकर आया हूं एक और बेहतरीन शूज़ का रिव्यू। सो दोस्तों, हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने यूज़ किया था, यह है दोस्तों किनवेरा 12, जो इन्होंने मई से शुरुआत की थी और दिसंबर अब फाइनल होने जा रहा है, और इन्होंने इसमें सारी की सारी अपनी मैराथन्स अब तक की कंप्लीट की हैं। उनके रिव्यूज़ मैं बाद में लूँगा। सो बहुत ही लाइट वेट शूज़ है, और आज हम बात करें कि इसकी करीब करीब इसमें इनका 2,500 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद भी आप शूज़ की जो कंडीशन है वो देख सकते हो, बहुत ही परफेक्ट। अभी भी शूज़ में बहुत जान बाकी है, और इनको दिक्कत होने लगी क्योंकि इसका जो कुशन होता है दोस्तों, किसी भी शूज़ का कुशन, उसकी एक लिमिटेशंस है। अब आप इनका इंसोल देखोगे तो इंसोल में आपको पता चल जाएगा कि शूज़ का जो कुशन है वो लेवल बिल्कुल डाउन जा चुका है। यानी कि हम बात करें, इसको आप थोड़ी बहुत हल्की मोटी ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में शूज़ आपके पैर को ख़राब कर सकता है। सो ज़रूरी होता है कि टाइमली अपने शूज़ 2,500 किलोमीटर के बाद, 2 से 2,500 किलोमीटर के बाद में आपको शूज़ को बदलना होता है। सो इन्होंने लिया है दोस्तों किनवेरा 13। मुझसे पूछा उन्होंने, तो मैंने कहा कि सजेस्ट यही किया कि आप किनवेरा ही लें, क्योंकि आपका जो पैर है वो पहले से ही उसमें आपका ढला हुआ है, तो आप किनवेरा 13 अपग्रेडेड वर्जन इसका आया हुआ है, तो आप देख सकते हो इसका अपग्रेडेड वर्जन, कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। और देखें इसका ये फोल्ड बहुत आराम से हो जाता है, यानी कि आपके पैर को बहुत अच्छी कुशनिंग देता है। बात करें कुशन की, तो आपका ये बहुत ही अच्छी इसकी ग्रिप होती है, बहुत ही अच्छा इसका कुशन है। आप हील वाला पार्ट देख सकते हैं, आपका इसका ये कॉलर है, कॉलर वाला आप पार्ट देखिए, थोड़ा कलर बड़ा मस्त कर दिया है, प्लस इसका इंसोल बड़ा रंगीन और मस्त, हम कहें कि थोड़ा दिखने में ना एक डिफरेंट कलर यहाँ पर इन्होंने दिया है। ये इंसोल है, जो इंसोल है इसका दोस्तों, ये करीब करीब 3 mm का इंसोल होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो मैं कहूँगा कि आप इस शूज़ को ईजीली आप ले सकते हैं, और इसकी जो कॉस्ट है दोस्तों वो है 10,000 रुपये, 10,000। ये भी 10,000 का ही था, और अभी भी ये 10,000 रुपये का ही मिला है। सो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, अगर आप अपने पैरों को सुरक्षित और अपने घुटनों को सुरक्षित, अपने एंकल को सुरक्षित देखना चाहते हैं, प्लस लिगामेंट की जो टीयर होता है, आपको सिनबोन की प्रॉब्लम होती है, उसका सबसे बड़ा कारण हमारा शूज़ होता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप शूज़ पहने, साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमेशा जो रनिंग है दोस्तों, वो हमेशा बेयर फिट ही सबसे अच्छी होती है। बेयर फिट हम इसलिए नहीं करते क्योंकि रोड पर, ग्राउंड में, कहीं पे भी पेबल्स मिल सकते हैं, कांच मिल सकता है, जो कि आपके पैर को डैमेज कर सकता है। अगर हम इस शूज़ की बात करें तो इसका कुशन जो है दोस्तों, वो 2,000 से 2,500 किलोमीटर आपको ईजीली और कम्फर्टेबली आपको ये देगा। अब इन्होंने जो मंगवाया था, ये टाटा मुंबई मैराथन किनवेरा 13 में रन करेंगे। इनके रिव्यूज़ मैं अभी लेता हूँ, आप इनके रिव्यूज़ भी देखिएगा, वो इस शूज़ के बारे में क्या है। जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों आज हम एक शूज़ का रिव्यू करने जा रहे हैं, जो है शूज़ किनवेरा। तो जो शूज़ अभी आप देख रहे हो सर पहने हुए हैं, वो है किनवेरा 13, और इन्होंने पुराना वाला शूज़ किनवेरा ही यूज़ किया था। तो अपने शूज़ के बारे में सर बताइए थोड़ा सा। जैसे हमने पिछले मई वाले वीडियो में हमने डाला था कि हमने पहला फर्स्ट ये वाला किनवेरा 12 यूज़ किया था, बहुत ही बढ़िया ये शूज़ निकला मेरा, जिसने मेरी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग करवाई। इसमें मैंने ऑफिशियली 3 हाफ मैराथन कंप्लीट की हैं, और ट्रेनिंग में तो मैंने कितनी कंप्लीट कर दी वो मुझे पता नहीं। यहाँ साथ ही मैंने फुल मैराथन के लिए, टाटा मुंबई मैराथन के लिए भी प्रैक्टिस इसी में की है, बहुत इसने मेरा सपोर्ट किया है, और अभी भी इसमें बहुत जान बाकी है। लेकिन ये है कि मुझे धीरे धीरे करके अपने अपग्रेड भी करना है, और साथ में मुझे आगे के लिए भी कहते हैं अपनी फुल मैराथन और कहते हैं आगे के लिए भी वो कंटिन्यू रखना है, तो इसलिए अब ये नया वर्जन आया है किनवेरा 13। इसे भी बहुत लाइट वेट है ये भी, और ये लेटेस्ट इसका टेक्नोलॉजी वाला है कि ये स्पीड अच्छी आती है इसके अंदर, बहुत अच्छी ग्रिप लेता है। इसी का अपग्रेडेड वर्जन है 12 का 13, और साथ में मैंने इसे पहना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं पहले वाला किनवेरा 13 ही पहन रहा हूँ, बिल्कुल मतलब 12 ही पहन रहा हूँ, बिल्कुल मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने और कोई वो नया वाला शू चेंज किया हो। बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही कंफर्टेबल है,
रनिंग में बहुत सपोर्ट करता है, बहुत ही अच्छा पुश देता है, बहुत अच्छी ग्रिप है, और कहते हैं साथ ही कंफर्टेबल, तो इसका कंपनी से सौकनी है, इसका कंफर्टेबल सबको पता है। तो दोस्तों आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स करें ना करें, लेकिन दोस्तों अच्छे शूज़ ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि 500 रुपए का भी शूज़ आता है, 5000 का भी आता है, और दोस्तों 10000 का भी शूज़ आता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने ऊपर कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने पैरों को कितना सुरक्षित रखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।